हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक दैट यू ऑल हैव बीन वर्किंग हार्ड एट योर स्टडीज विद द हेल्प ऑफ माय दिस यूट्यूब चैनल. टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट क्लासेस ऑफ यूपी बोर्ड. इन दिस वीडियो आई हैव बीन ट्राइंग टू गिव यू द आंसर्स ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ प्रोज लेसन 1, अ गर्ल विद अ बास्केट ऑफ द ग्रेट ऑथर विलियम सी डगलस. तो इस पार्ट के शॉर्ट आंसर हम कैसे लिखेंगे, ये कोशिश कर रहा हूँ ये इस तरीके समझाने की. अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं, इससे हम आगे भी इसको कर सकें. ओके, वाई वर द चिल्ड्रन डिस्क्राइब्ड एज रेफ्यूजी. जो बच्चे हैं इस स्टेशन पर जो राइटर के ऊपर टूट पड़ते हैं अपनी टोकरियाँ लेकर, अपने पंखे लेकर, इन्हें रेफ्यूजीज क्यों डिस्क्राइब किया गया? रिफ्यूज बोले तो शरणार्थी, तो शॉर्ट में लिख दिया केम फ्रॉम पाकिस्तान. सो द चिल्ड्रन, यहीं से शुरू करेंगे, वही हटा देंगे, वेयर डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजीज बिकॉज दे हैड कम फ्रॉम पाकिस्तान और बिकॉज दे केम फ्रॉम पाकिस्तान. हैड कम लगाएं, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान से आए थे, पास परफेक्ट में करेंगे, ये हो गया. देयर फॉर दे वेयर डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजी, इसलिए उन्हें शरणार्थी कहा गया कि वो शरण में है यहां. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. राष्ट्र की नब्ज जानने के लिए राइटर क्या कर रहा था, यहीं से आंसर पिक करेंगे. नीचे लिखा है टॉक टू द पीपल, शॉर्ट में समझाया है, फिर भी लॉन्ग में कैसे लिखेंगे. द राइटर क्या करा उसने, द राइटर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन, हर स्टेशन पर उतरा, ये अपने पास से लिखेंगे. एंड टॉक टू द पीपल, लोगों से बात की, बाकी जोड़ देंगे. टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, देखिए द राइटर, केवल एक छोटी सी जोड़ेंगे यहां पर, एक छोटी सी जोड़ लेंगे यहां पर, गॉट डाउन, उतरा एट एवरी स्टेशन एंड टॉक टू द पीपल टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, सब उतार देंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा, कितना आसान तरीके से हो जाएगा. नेक्स्ट, Why did the refugee children descend on the writer like locusts? आजकल टिड्डियां यहां भी बहुत छाई हुई हैं, जगह जगह आप सुन रहे होंगे. तो टिड्डियां एक बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, एक साथ फसल पर गिरते हैं और तबाह कर देते हैं. राइटर कह रहा है कि वो बच्चे किस तरह से उस पर टूट पड़े, राइटर पर क्यों टूट पड़े, बिकॉज अ रिच कस्टमर, ये लिखेंगे. The refugee children descended on the writer like locusts because they thought that he was a foreigner. Therefore, he could be a rich customer. और आगे बढ़ा ले सकते हैं, to buy all their fans, baskets और other things. उन्हें लगा ये बहुत पैसे वाला है, हमारी सारी चीज़ें खरीद लेगा. Next है, what were the children selling at the station and why? बच्चे बेच क्या रहे थे और क्यों बेच रहे थे, ये तो इस टॉपिक यही है इस कहानी का. द चिल्ड्रन, या यहाँ लिख देंगे द रिफ्यू चिल्ड्रन, वेयर, ये यहाँ से हटा देंगे, वेयर सेलिंग फैंस एंड बास्केट्स एट द स्टेशन. और वाई के लिए, बिकॉज दे हैड कम फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे वर वेरी पुअर एंड दे हैड नो मनी टू गेट देयर ब्रेड, रोटी खाने को पैसे नहीं, इसलिए बेचारे बच्चे ये टोकरियाँ बेच रहे थे या और पंखे बेच रहे थे, और जिनके पेरेंट्स तुम शायद वो उन्हें बुन रहे होंगे, ऐसा कुछ. लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया एंड व्हाई. ये सेंट्रल थॉट लेकर गया राइटर यहाँ पर, क्या देखा उसने भारत के लोगों के बारे में और क्या सोचा. तो राइटर थॉट अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया दैट इंडियंस हैव ग्रेट सेल्फ रिस्पेक्ट, कि भारत के लोगों के अंदर एक आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है. बिकॉज क्यों देखा है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने जोड़ दिए, एक और जोड़ दिया, बिकॉज ही हैड सीन अ वेरी स्मॉल गर्ल ऑफ 9 ईयर ओल्ड हु वाज डाइंग फॉर ऑफ हंगर, स्टिल शी डिड नॉट रिसीव एनी चैरिटी फ्रॉम द राइटर. इतनी गरीब बच्ची भुखमरी में थी, तब भी उसने राइटर की चैरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया. तो यहीं से उठा लेंगे, द राइटर थॉट about the people of India that they have self-respect because the 9 year
old girl showed him the example. उस 9 साल की बच्ची ने उसे वो उदाहरण दिखाया कि भारत के लोग इस गरीबी में भी अपना सम्मान और स्वाभिमान बचाए हुए हैं. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और आप लाइक करते रहिए हमारी वीडियो को. सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लें. 10th फर्स्ट ईयर और 12th के सारा सिलेबस मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के लिए कराते रहेंगे. और उधर ग्रामेटिक सारे पोर्शन जो हैं, ग्रामेटिक स्किल्स हैं, ट्रांसलेशन है, वॉइस है, नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज सिंटेक्स, द आर्ट ऑफ राइटिंग स्किल, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एज वेल एज आई विल ट्राई दैट द आर्ट ऑफ करेक्टिंग सेंटेंसेज, हाउ टू करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश. दीज ऑल आर अवर मोटिव्स ऑफ अवर दिस यूट्यूब चैनल. प्लीज वॉच.